जो यहाँ से निकलेगी उसमें आप अपनी भागीदारी जो है नियत दर्ज कराएं और कल चले वहाँ, और जो भी बातें होगी आपकी मुद्दा के लिए ये लड़ी जा रही है। ये पर्सनल समस्या किसी का नहीं है, सामूहिक समस्या है, सबकी समस्या है, सबको लाभ मिलेगा। तो अगर प्रशासन हो सकता है आपको लालच देगा, जो बहुत टाइम चल रहा है, टीचर भी बात होगी, इसे आपको घबराना नहीं है। और आप लोग यूनियन बार बार नहीं बुलाती है, आपकी समस्या के लिए जब आह्वान किया जाता है तो उसमें आपकी एकता जरूरी है और आपकी भागीदारी जरूरी है। और अंत में हम यही कहेंगे कि आप लोग कल जरूरत पड़े तो ओटी भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्णय है। और अपनी एकता में एकताबद्ध होकर के इस रैली में शामिल होइए। और प्रशासन देखता है कि नेता है उसके पीछे कितने लोग हैं। कोई भी रैली होता है आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री आ जाए उनके पीछे 10 गो जनता अगर खड़ी नहीं है तो रैली फ्लॉप हो जाता है, मीडिया वहां जाती ही नहीं। तो ये प्रदर्शन जो है आपकी ताकत है, एकता है, आप प्रदर्शन को जुलूस के रूप में लेके चलिए, अपनी चट्टानी एकता दिखाइए, जिससे प्रशासन को ये लगे कि यदि हम टकराते हैं तो ये संगठन कर्मचारियों से मिलके कुछ भी करा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आतंकवादी हैं, ये हमारा मांग है, हमारी जन्मी समस्या है, इसी को उठाने के लिए हम चल रहे हैं, जो हीला वाली हो रहा है। साथियों और बातें हमारे शाखा मंत्री जी कहेंगे, और अंत में हम यही कहेंगे कि कल विशाल प्रदर्शन में आप लोग भागीदारी दें। इसी बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। आपने बहुत विस्तार से बात की। साथियों एसपी सिंह बोले कि हमारा जो है किसी आर के यू हाजीपुर दिल्ली, लेकिन एक बात हम यहाँ पे बता देते हैं, हम लोग जो ये लाल झंडा लगाते हैं ना, ये लाल झंडा में एक मोटा डंडा ही रहता है। अगर ये हाजीपुर से दिल्ली से नहीं मानेंगे तो ये डंडा से मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा। जब हम प्रोटेक्शन देते हैं तो हमारी समस्या को उनको सुनना पड़ेगा। और एक बार हम पुनः कहेंगे, जो कल अगर आपको प्रशासन द्वारा ओवर टाइम का लालच दिया जा रहा है तो आप एक दिन त्यागे और विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर मुख्यालय CWM कार्यालय आप लोग चलिए। अब इसी कड़ी में अपने शाखा मंत्री श्री पासवान जी से कहेंगे, अपना दोष सब रखें। अध्यक्ष महोदय, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के समस्त पदाधिकारीगण तथा हमारे जुझारू मजदूर साथियों, हम लोगों ने निर्णय लिया है